फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेप्स टू ग्रो। माई नेम इज़ पारुल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई SBO प्रीलिम्स एग्जाम्स रिव्यू विद यू गाइज। मेरा एग्ज़ाम आज सुबह यानी कि 4th of January 2021 को 8 o'clock यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। ये बेसिकली वीडियो उन लोगों को हेल्प करने वाली है जो इस एग्ज़ाम को आने वाली शिफ्ट्स में देंगे, उनको एक आइडिया हो जाएगा ताकि आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन एक बार ब्रशअप कर सकें इसकी हेल्प से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। मेरे अटेम्प्ट्स रहे इंग्लिश में 25 out of 30 और क्वांट्स में रहे 22 out of 35 और रीजनिंग में रहे 19 out of 35। तो फ्रेंड्स, आप लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स से आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम लेवल वाज नॉट इजी। वी कैन से इट वाज मॉडरेट एंड इन केस ऑफ रीजनिंग आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट। मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। मैं जनरली सभी प्रीलिम्स एग्जाम्स में रीजनिंग के 35 on 35 अटेम्प्ट करती हूँ, बट इन दिस एग्जाम आई अटेम्प्टेड ओनली 19। सो द रीज़न वॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। जो पजल्स थे वो बहुत जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहे थे। ओके, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात हमने कर दी, दैट रीजनिंग वॉज डिफिकल्ट। तो आप लोग रीजनिंग के डिफिकल्ट पजल सॉल्व करें, उसमें अपनी एफिशिएंसी लेकर आएँ। ओके, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश वॉज डिफ़िकल्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। मुझे इंग्लिश का पेपर काफ़ी ईजी लगा, उसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के थे, सो हम बोल सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट। ओके ओके फ्रेंड्स, फाइनली हम क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, क्वांट्स वॉज कैलकुलेटिव, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, बहुत फास्टली सॉल्व नहीं हो पा रहे थे कोई भी क्वेश्चन। जो DI थी वो भी बहुत क्विकली सॉल्व नहीं हो रही थी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेवल की थी। डिफ़िकल्ट नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं। तो DI थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, और बाकी भी जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे दोज वर ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे। और नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सिंप्लीफिकेशन के 5 questions आए थे, क्वाड्रेटिक equations के 5 questions आए थे, दोज वर लाइक ईजी क्वेश्चंस। और जो अरिथमेटिक था इट वॉज आई थिंक मॉडरेट, एंड DI भी थोड़ी मॉडरेट ही थी। तो फ्रेंड्स, मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे 66, और अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो आई थिंक एनीवेयर अबव 60 इज़ रियली गुड। 60 to 70 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो दिस इज़ अ गुड अटेम्प्ट। आप लोगों को दूसरे लोगों के अटेम्प्ट्स देख के फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इट वॉज डिफ़िकल्ट दैन प्रीवियस ईयर्स। तो कट ऑफ भी पिछले सालों से कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन राइट अवे। अगर आपने 60 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है इट इज़ वेरी गुड। तो दिस वॉज माई मिनी रिव्यू ऑफ दिस एग्ज़ाम फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लोग कमेंट करें, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।